हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टेशन मास्टर की सैलरी के बारे में। स्टेशन मास्टर की सैलरी होती है वो कितनी होती है, कैसे आती है, उसमें क्या क्या अलाउंस आते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। और स्टेशन मास्टर की सैलरी होती है उसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात रहती है कि वो वेरी होती रहती है। ऐसे नहीं कि और स्टाफ की रहती जो फिक्स आती है सैलरी, कितनी सैलरी आपको फिक्स आ सकती है, लेकिन मास्टर की जो सैलरी है स्टेशन मास्टर की सैलरी बहुत ही वेरी, क्योंकि उसमें आता है OT प्लस TA, तो ये दोनों मिलके आपकी सैलरी को वेरी करते रहते हैं। आपकी सैलरी जो वेरी होती है वो कितनी तक बढ़ सकती है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं स्टेशन मास्टर सिटी प्रतिहार, और मेरे को अभी पाँच मार्च को 5 साल हो जाएंगे रेलवे में। तो जो मेरी जो सैलरी आई थी स्टार्टिंग में उसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, प्लस जो मेरी पे स्लिप है, क्योंकि रेलवे को पहले पे स्लिप देती थी, हार्ड कॉपी पे स्लिप देती थी कि आपकी सैलरी ये आई है, ये आपके अलाउंस आए हैं, इसका पैसा आपको आया है, इसका पैसा कटा है, कहा इंश्योरेंस में कटा है, कौन सा आपको टैक्स कटा है, वो सब डिटेल्स में उस पे स्लिप में रहता है। तो पहले तो देती थी लेकिन 2-3 साल से पे स्लिप बंद कर दी है। तो मैं आपको मेरी पे स्लिप दिखाऊंगी जो मेरे को स्टार्टिंग में मिली थी, शुरू में 1 साल तक मिली थी, उसके बाद भी बंद कर दी उन्होंने। तो मेरे पास जो पे स्लिप है वो आपको मैं दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ, और उसमें मैं बताऊंगा कि मेरी कौन कौन सी सैलरी आई है, कौन कौन से अलाउंस आई है और कितनी सैलरी आई है। एक बार आपको देखोगे तो लगेगा कि आप वाकई मास्टर की तो चांदी चांदी है, कितनी सैलरी आती है। तो जो स्टार्टिंग में जो मास्टर्स रहते हैं उनकी सैलरी किस तरह से बनती है, कौन से अलाउंस आते हैं, तो मेरी जो सैलरी है मैं आपको अभी पे स्लिप दिखाऊंगा, वो मेरी सैलरी थी 80,000 थी, 80,000 80,000 रुपये आए थे। और उसमें जो अलाउंस है OT है TA है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा OT कैसे बनता है, TA कैसे बनता है। और उसमें एक और आया था ड्रेस अलाउंस, जो 10,000 रुपये आते ड्रेस अलाउंस वो भी उसमें आया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी कैसे आता है और कौन से मंथ में आता है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको अगर इंटरेस्ट है मास्टर की सैलरी जानने में, प्लस रेलवे जो एम्प्लॉय है उनको किस तरह के अलाउंस आते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। मैं तो स्पेशल मास्टर हूँ, मास्टर के लिए ही थोड़ा सा मैं ज्यादा उस वीडियो में डिटेल में बात कर रहा हूँ, लेकिन और भी जो स्टाफ है रेलवे में उनके बारे में तो आपको आइडिया हो जाएगा मास्टर की सैलरी या रेलवे स्टाफ की सैलरी किस तरह आती है, सैलरी का जो अलाउंस रहते हैं वो किस तरह से ऐड होते हैं, और जो डिडक्शन बोलते हैं जो कटौती होती है वो क्या क्या होती है, NPS में कैसे कटौती होती है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस इससे बात बोलो रेलवे में जितने भी एम्प्लॉय हैं, नॉट मास्टर, जितने भी एम्प्लॉय रेलवे में उनकी सैलरी हमेशा 1 तारीख से पहले ही आ जाती है। ये मैंने बात पहले भी बताई मेरे और वीडियो में, चाहे आप मेरे और वीडियो भी देख सकते हो, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी नॉलेज मिलेगी जो रेलवे के बारे में जानना चाहते हो आप, सो पूरी डिटेल्स में मैंने बात की है, तो आप जाके भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अपन बात करेंगे मास्टर की सैलरी के बारे में। तो आपको मैं PDF दिखाने से पहले कुछ बता दूं, मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है, इतनी प्रैक्टिस है नहीं बोलने की। बात करते हैं सैलरी में, हो गया है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो मेरी जो अभी मैं आपको पे स्लिप दिखाने वाला हूँ उसमें मेरी सैलरी है 80,000, उसमें से 4,500 रुपये कुछ कटिंग हुई है, डिडक्शन जो होता है NPS का, प्लस टैक्स का, इधर जो टैक्स में लगता है आंध्रा का, और 2000 टैक्स प्लस एक संघ का 50 रुपीज वजह से है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस जो मेरी 80,000 की सैलरी आई वह जुलाई मंथ की है, लेकिन एक बार मेरी सैलरी 1 लाख भी आई थी, 1 लाख रुपये भी आया था, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं बाद में दिखा दूंगा कि जो नॉर्मल सैलरी है जो मैं बताऊंगा वो मैं दिखाऊंगा। 80,000 है उसमें मेरा TA बना था और OT बना था। TA का मैंने आपको बता दिया, जब आप स्टार्टिंग में रहते हो तो आपको LR रखेंगे या RG रखेंगे। LR का रहता है जो भी कोई लीव पे जाता है उसको ड्यूटी करनी होती है उसकी, उसको बोलते हैं LR, बिल्कुल तो लीव रिलीवर, जो कोई भी लीव पे गया है उसकी जगह ड्यूटी करेगा LR, उसको बोलते हैं LR। तो LR का रहता है कि
जैसे आप अपना हेड क्वार्टर से दूसरी जगह जाओगे तो आप 800 रुपीज पर डे के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है उसको, एलआर का रहता है ऐसा। जब भी आपका हेड क्वार्टर मान लो कोई भी आपका हेड क्वार्टर अगर वहीं पर कोई लीव लिया है तो उस टाइम पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ से गुजर तो ना कि आप ईस्ट में लीव लेगा बाकी ईस्ट में मिलेगा, क्योंकि 4-5 स्टेशन के अंडर में एक एलआर रहता है, तो जो भी 4-5 स्टेशन रहेंगे उसके अंडर में एक एलआर रहेगा तो उसको जाके वहाँ पर ड्यूटी कर ली रहती है। अगर आपके हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूर कोई भी स्टेशन है जहाँ आप जाओगे अगर वहाँ ड्यूटी करोगे तो आपको 800 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलेंगे। नॉर्मली कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर आप 10 दिन की ड्यूटी करते हो तो 800 के हिसाब से 8,000 रुपये तो आपके नॉर्मली बनी है। मैंने बहुत सी बार 20 डेज 25 डेज भी एलआर में आउटसाइड स्टेट से जाके ड्यूटी की तो उसका एवरेज मेरा 16,000-20,000 रुपये तो नॉर्मली से बनी रहता है। बहुत सी बार मैंने 20-20, 22-22, 25,000 रुपये भी आए थे, 25,000 तो नहीं आए पाएंगे 30 डेज के प्रो है ना, 20,000-22,000 तो मैंने बहुत सी बार ट्रेवलिंग अलाउंस बना लिया था, तो वो भी आपका नॉर्मली बन जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में आप ला देते हो। और रही बात आप बोले 3-4 स्टेशन ड्यूटी करना तो नॉर्मल आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी नॉलेज है या आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ड्यूटी करने में तो आप आराम से कर लेते हो। ये सब स्टेशन में वही ट्रेन आती है वही नॉर्मल सब होती रहती है तो करने में कोई दिक्कत नहीं, जो लाइन तो एक ही रहेगी तो सेम ट्रेन ही आएगी, सेम ट्रेन नंबर से याद हो जाते हैं, टाइमिंग सबकी लगभग हो जाता है, प्लस वर्किंग सबकी सेम रहती है तो उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हो। ये होता है अपना टी के बारे में, ट्रेवलिंग अलाउंस से आराम से मिलता है। कभी कभी तो आप जहाँ पर रहते हो क्योंकि हेड क्वार्टर माल थोड़ा दूर है आपका, तो आपको रहने की जगह जहाँ पर है वो नॉर्मल छोटा कस्बा है कुछ भी है तो आप वहीं पर ड्यूटी करोगे, आपके हेड क्वार्टर में तो गए नहीं, आपकी ड्यूटी वहीं पर लगाई थी जहाँ पर आप रह रहे हो और आपसे आपके हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर है तो आपकी वहीं पर ओटी ये बन जाएगा 800 रुपये, आपके जहाँ रह रहे हो वहीं जाके ड्यूटी करोगे तो भी आपको 800 रुपये बन जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत सी बार हुआ था, मैं जहाँ रहता था वहीं मेरी ड्यूटी लगती थी और मेरे को 800 रुपये अलग से दिए जाते थे वहाँ ड्यूटी करने थी, कि मेरा हेड क्वार्टर जहाँ मैं रहता था वो नहीं था, थोड़ा दूर था वो तो मैं अप डाउन करता था, कभी वहाँ ड्यूटी लगती थी। इलाके ड्यूटी फिक्स नहीं रहती उसको, आपको जहाँ भी स्टेशन पर लीव पे जाता है तो वहीं पर उसकी ड्यूटी लगाई जाती होता है। इलाक आर जी का भी मैंने बताया, आर जी बोले तो रेस्ट की बोले, जो भी 2 स्टेशन पर रहेगा आर जी वहाँ पर जो स्टाफ को रेस्ट देगा, क्योंकि वीक में आपको एक रेस्ट मिलता है, रेस्ट फिक्स नहीं रहता है आपको कि आपको संडे को मिले या मंडे को मिले, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो उनकी सिक्वेंस के हिसाब से देखते हैं कि आपको किस दिन रेस्ट दिया जाएगा। तो 2 स्टेशन पे आज 2 स्टेशन के बीच में एक आरजी देता है, वो जाके उन 6 स्टाफ को रेस्ट देता है, फिर एक खुद का रेस्ट देता है, टोटल 7 दिन हो जाते हैं। तो आरजी को भी अपने स्टेशन छोड़ से दूसरे स्टेशन पर जाता है तो भी उसको टीए मिलता है, अपने स्टेशन 3 दिन ड्यूटी करेगा 3 दिन दूसरी जगह जाकर ड्यूटी करेगा तो उसको 3 दिन का टीए मिल जाता है, तो मंथली उसका भी लगभग 10-12 दिन नॉर्मली हो जाता है, उसका भी 8-10,000 रुपये टीए नॉर्मली बन ही जाता है, यानी आरजी भी ड्यूटी की कितना ओटी आया है उसमें 15,000-20,000-10,000 बार देखी थी वो फिक्स आइडिया नहीं है तो मैं आप उसमें दिखा दूंगा मेरा कितना ओटी बना था और ओटी बनता है, ऐसा आपको डाउट नहीं लगना कि ओटी नहीं बनता, ऐसा ड्यूटी करते हो तो ओटी बनेगा ही बनेगा, तो भी मैं आपके साथ प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि ओटी भी बनता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ओटी बनता है क्या, ओटी देते भी है क्या, ओटी देते भी है बनेगा तो भी देते भी है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि ओटी भी बनता है। ओके अपन आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो बोला कैमरा ऑन कर लेता हूं राइट तो अपन आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हो ये है मेरी पे स्लिप, पहले मिलती थी अब ये बंद कर दी रेलवे ने, उनको लगता है ज़्यादा पेपर वेस्ट होता है इसलिए उन्होंने भी बंद कर दी, अब डायरेक्ट ऑनलाइन देख सकते हो आप कितनी सैलरी आती है, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अपडेट हो जाता है ठीक है। तो ये है पे स्लिप, देख सकते हो आप पे स्लिप देख सकते हो आप यहाँ पर पे स्लिप और मंथ जुलाई राइट, ये जुलाई 2019 की पे स्लिप है ठीक है, जुलाई 2019 की पे स्लिप है, अभी चल रहा है दिसंबर 2022 ठीक है, तो 3-4 साल पहले की पे स्लिप है जुलाई मंथ की। ओके
ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूं, साउथ सेंट्रल रेलवे जो मेरा जर्नल है, ओके, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 09096711, ये बिल यूनिट होता है। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर ऊपर रहता है, पीएफ नंबर थोड़ा पर्सनल रहता है इसलिए मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है, आप उसको नेवर माइंड, माइंड पे मत लीजिए, पर्सनल रहता है इसको हाइड कर दिया है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम, तो मेरा नाम चंद्र प्रकाश मीना, सीपी मीना शॉर्ट में, ठीक है, यहाँ पर नाम रहता है, फादर नेम इन्होंने डाल रखा है, डिपार्टमेंट मेरा ऑपरेटिंग है, इसे डेजिग्नेशन SM, स्टेशन मास्टर है, स्टेशन का नाम भी हाइड कर दिया है मैंने, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देख सकते हो आप, मार्च 5 मार्च 2018 को मेरा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल जो टिकट NPS नंबर रहता है, अपना जो बेसिक डिटेल रहती है बिल यूनिट, अपना नॉर्मल जो बेसिक डिटेल है वो इसमें आ जाता है। बेसिक पे दे सकते हो आप मेरा 35,400 रुपये जो मेरा बेसिक पे स्टार्टिंग है था, ठीक है, मेरा बेसिक पे, आपका बेसिक पे हर साल इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद बढ़ता रहता है, तो बेसिक पे रहता है उसी के हिसाब से अपनी सैलरी बनती है, उसके हिसाब से DA कितना मिलेगा, HRA कितना मिलेगा, आपको उसी हिसाब से दिया जाता है, राइट। अपन अपन बात करते हैं मेन सैलरी के बारे में, ठीक है, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो मेरी ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी कितनी 80,256 रुपीज ग्रोस सैलरी है, डिडक्शन हुआ है मेरा, डिडक्शन बोले तो कटिंग जो भी कट हुआ है वो दिखाया 4,215 रुपये, प्लस नेट सैलरी जो मेरे अकाउंट पे आई है वह 76,074,1, ठीक है, 76,041 रुपीज़ मेरे अकाउंट पे आए। तो ये हो गई नॉर्मल बेसिक सैलरी ओवरऑल, ठीक है, ग्रोस डिडक्शन और नेट सैलरी, जो नेट सैलरी थी वही अपने अकाउंट पे आती है, ग्रोस टोटल बनती है, और ग्रोस डिडक्शन जो डिडक्शन होता है वो डिडक्शन होता है, ठीक है। अब इस 80,000 में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है अपना, अर्निंग कितनी है, अमाउंट कितनी है, तो मेरे को पे जो मेरा बेसिक पे है वो दिखा रखा है 35,400 रुपये, ठीक है, ये मेरा बेसिक रहता है, बेसिक हर साल बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट हर साल लगता है, तो बेसिक हर साल बढ़ता रहता है, कभी 1100, फिर उसके बाद जो आपके जैसे सीनियर होते जाते हैं उसके हिसाब से बढ़ता था, हमारे स्कूल में 1000 बढ़ता था, कभी 1100 बढ़ने लग गया, फिर अभी 1200 जाएगा, इसे बढ़ता रहता है, वो डिपेंड करता है आपके सीनियरिटी के ऊपर, ठीक है, कितने सीनियर होते जा रहे हो आप। ये बेसिक हो गया, बेसिक के हिसाब से ही DA मिलता है, DA बोलते डेयरलेस अलावेंस, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, वो DA रहता है, तो DA है 4,248 रुपीज़, ये DA है मेरा, उस टाइम बता रहा हूँ मैं 2019 जुलाई 2019 का है, अभी तो बढ़ गया मेरा DA, वो जो आपका महंगाई भत्ता बढ़ता था उस हिसाब से बढ़ता है, अभी तो 5,000 रुपये DA आता है, 5,000 नहीं सॉरी, अभी तो मेरा DA 12,000 रुपये जैसे आता है, ठीक है। HRA है, HRA उस टाइम पर है 2,832 रुपये, अभी कुछ 3,536 रुपये जैसे आते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, ये भी ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, नहीं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोले तो उसको बोलते हैं कि आप ड्यूटी करने आ रहे हो ना, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से आप ड्यूटी करने आ रहे हो स्टेशन तक, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसका भी खर्चा गवर्नमेंट रेलवे देती है, तो कितने अलाउंस ऐड होते हैं, मतलब रेलवे अपनी तरफ से ऐड करती है। HRA बता दिया, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जो आपका रह रहे हो आप, अगर क्वार्टर्स नहीं है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, क्वार्टर मैक्सिमम इधर साउथ में तो नहीं है, अपनी तरफ का तो मिल जाती है, लेकिन साउथ में तो क्वार्टर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है। अब आया OT की, जो बहुत से बच्चों को डाउट था OT मिलता है नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं, OT एरा ओवर टाइम अलाउंस 15,030 रुपये, मेरा OT बना है उस मंथ के पीरियड में, जो भी जुलाई, कौन सी मंथ था, जुलाई का जो महीना है उसमें मेरा OT बना है 15,030 रुपये। एक बार मेरा OT 20,000 भी बना था, कभी 5,000 भी बनता है, कभी 10,000, डिपेंड करता है कि OT के हिसाब से कितने स्टाफ है, कितना आप ओवर टाइम कर रहे हो, OT उस स्टाफ से बन जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में 400 रुपये पर आवर्स के हिसाब से कुछ मिलते हैं, फिर वो 12 घंटे के ऊपर OT के बारे में कुछ डिटेल में एक अलग वीडियो बना, किस हिसाब से काउंट होता है, कैसे मिलता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस मैंने आपको बताया ऐसे, ऊपर वाला ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, नीचे वाला ट्रेवलिंग अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस 8,880 रुपये, ट्रेवलिंग मैंने बताया जो आप अपने हेडक्वार्टर से दूसरी जगह ड्यूटी करते हो तो उसका ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है हर महीने 800 पर डे के हिसाब से। नीचे वाला जो मैं बता रहा था आपको ड्रेस अलाउंस एनुअल, ये हर साल में एक ही बार मिलता है ड्रेस अलाउंस, हर साल में 10,000 रुपये मिल रहा है यार, क्या चाहिए आप, 5 साल में भी नहीं पहनो 10,000 के कपड़े ड्रेस के लिए देते हैं, ड्रेस दो ड्रेस पहना लो 2 साल चल जाती है आराम से, तो ड्रेस अलाउंस ले देती 10,000 रुपये, ठीक है। ये मेरे अलाउंस आए हैं, पूरी सैलरी हिसाब से डिडक्शन, टोटल सैलरी हुई है 80,000 रुपये, आप भी काउंट कर सकते हो इतनी आएगी।
ड्यूरेशन बता दूँ, ड्यूरेशन क्या रहता है, ड्यूरेशन जो भी रहेगा वो इधर दिखाई देगा, ड्यूरेशन कितनी अमाउंट है, क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। ये एक संघ है, संघ का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से काटते संघ वाले सब होते हैं, कभी भी कुछ हो तो आपको हेल्प करते, देखा जाएगा, तो उसका 50 रुपये पर डे पर मंथ के हिसाब से काटते। अपना NPS हो गया, NPS जो अपना पेंशन रहती है, न्यू पेंशन स्कीम, उसका हो गया, आपको पता ही हो तो कितनी अच्छी कितनी बुरी सबको पता ही आजकल, मैं NPS ही करते हैं। और ये हो गया आंध्र प्रदेश का टैक्स, या गवर्नमेंट है आंध्र गवर्नमेंट, वो 200 रुपये टैक्स का भी लेती है, 200 रुपये वो करते हैं, ऐसे करके मेरा डिडक्शन हो गया 4,215 रुपये, राइट। तो ये हो गई मेरी टोटल सैलरी, और ये हो गई मेरी सैलरी स्लिप। तो ये देख के आपको लग गया होगा ओवरऑल क्या रहता है, जो इसमें मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं बाद में एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, कि आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है जो मेरा यहाँ पर 8,880 रुपये कैसे मिलता है, कितना आवर्स का रहता है, कितने घंटे बाहर रहते हैं तो उसका कितना मिलता है। इसमें 3 स्लिप चलते हैं, 30%, 70%, 100%, उसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपको, कैसे रहेगा, कितने आवर्स तक आप हेडक्वार्टर से बाहर रहते तो कैसे मिलता है। रेलवे में जैसे आप हेडक्वार्टर छोड़ोगे आपको रेलवे अमाउंट दे देती है, पैसा देना स्टार्ट कर देती है रेलवे के किसी भी काम से, ये नहीं कि आप ड्यूटी करें, किसी भी काम से, मान लो कभी NI वर्क के लिए चले गए, कभी हेडक्वार्टर से बाहर चले गए, मान लो कहीं आप गुंत कर ले किसी काम से लिए, मेरा जो हेडक्वार्टर है जोन डिवीजन वहाँ गए, या एक स्टेशन पर गए, किसी भी काम से कोई भी काम से रेलवे कभी कभी भेज देती है, कभी ट्रेनिंग के लिए भेज देती है, तो भी आपको रेलवे पैसा देगी पर डे के हिसाब से। कभी कभी आपकी ट्रेनिंग होती है 3-4 साल में अपनी जहाँ पर JRTI में, तब भी आपको रेलवे अमाउंट देती है। होगा टोटल ट्रेवलिंग अलाउंस का डिटेल, उस बारे में आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। NDA बताया दिया, NDA छूट गया था क्या, ठीक है। NDA होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, तो भी आप नाइट ड्यूटी करते हैं उसका अलाउंस मिलता है, NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस, कितनी नाइट ड्यूटी करती है उस हिसाब से वो मिलता रहता है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कितने घंटे तक कैसा मिलता है, फिर 12 घंटे हमारे यहाँ 12 घंटे के बाद फिर और चार्ज बढ़ जाता है, नॉर्मली 400 मिलता है, 12 घंटे तक किया उसके बाद फिर और चार्ज बढ़ जाएगा। ये हो गया OT। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक आपको इससे कुछ मिली होगी जानकारी जो मैंने कोशिश की आपको बताने की, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को फिनिश करते हैं, चलते हैं अपन मेन कैमरा पे। तो अब आप वीडियो के लास्ट तक आए गए हो तो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली होगी रेलवे के बारे में, कि रेलवे में सैलरी किस हिसाब से बनती है, कब कब आती है, कैसा क्या रहता है, कितनी आती है, कितना पैसे क्या क्या सब, क्योंकि आपने पे स्लिप देख ली है तो उस पर आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे सैलरी बनती है, ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर रहता है, ये कटिंग होती है, ये टैक्सेस लग जाता है, तो इसका कुछ फाइनल ग्रोस सेल रिस्को बोलते हैं, नेट सेल रिस्को बोलते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, तो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो रही होगी। तो ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। साथ में कमेंट भी कीजिए कि किस बारे में आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि रेलवे में जुड़ा हो तो रेलवे की जो मुझे नॉलेज है, ज्यादा नहीं कुछ भी, जितनी भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आपको रेलवे के बारे में कुछ जानना है, अदर कोई भी टॉपिक, ऐसा नहीं कि मैं मास्टर हूँ मास्टर के बारे में, क्योंकि मेरे साथ और भी डिपार्टमेंट वाले काम करते हैं तो उनके बारे में भी आपको बता सकता हूँ। तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट के हिसाब से एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा ऐसा इन डिपार्टमेंट में होता है, हो सकता है आपके साथ और आपको और नॉलेज भी इम्पोर्टेंट लगे या आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इसी के साथ कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपके साथ जो भी मेरा नया वीडियो है आपको फट से मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। इसी के साथ वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए और आपके प्यार से बनाए रखिए, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।